तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस यार, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और मेरे को एक चीज़ पे थोड़ा मतलब दुख भी है, क्योंकि गाइस यार आज तो हमारे घर में वाईफाई लगने वाला है। क्योंकि गाइस यार एयरटेल एक्सट्रीम का लग रहा है ना, तो गाइस यार मेरे को खुशी थी इस बात के वाईफाई लग रहा है, क्योंकि हमको जब हम अपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते थे तो गाइस यार नेट ख़त्म हो जाता था बहुत जल्दी। तो इससे अच्छा हमने सोचा वाईफाई लगवा लें, क्योंकि रिचार्ज उसमें भी होती है उसमें भी होता है। तो गाइस यार खुशी भी है पर दुख भी है मेरे को, क्योंकि गाइस यार मैं तो स्कूल जाऊंगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा वाईफाई लगते हुए क्या क्या हो रहा है, कैसे लगेगा, कितने का लगेगा। पर गाइस यार आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, और इतनी कल रात ही मैंने सारे एयरटेल के वो लगने के सपने देखे वाईफाई के। तो गाइस यार मैं सो नहीं पाया, और मैं आज मेरा 7:30 का स्कूल है और मैं उठाऊँ 6:15 पर, घर से 45 मिनट्स रह रहे हैं मेरे को तैयार होने के लिए। क्योंकि गाइस यार 15 मिनट 20 मिनट तो मेरे को स्कूल जाने में लगता है, मतलब 7 बजे निकलना पड़ता है। तो गाइस यार आज मेरे को लग रहा है अपना नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वैष्णी के बाल जो थे ना पहले छोटे छोटे थे, वो बनाती नहीं थी, बस बाल तेल लगा के हेयर बैंड लगा के स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के निकल जाती थी। पर उसकी मैम ने अब बोला है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, उसके बाल भी बड़े हो चुके हैं, वो बड़ी क्लास में आ चुकी है, जिस वजह से अब उसको पोनी बनाना कंपलसरी हो गया, दो पोनी बनाना। हाँ, दो पोनी। तो गैस यार अब तो माँ को उसकी पोनी बनानी पड़ेगी, कल ही बोला है उसकी मैम ने। तो गैस अब तो पोनी बनानी पड़ेगी, इसकी वजह से मेरे को लग रहा है अभी हम लेट भी हो चुके हैं, जिसके कारण मेरे को अपना ब्रेकफास्ट बनाना पड़ सकता है। कोई बात नहीं गाइस यार, मेरे को तो खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बनाऊंगा अपने लिए सोच रहा हूँ सैंडविच, और सैंडविच इतना अच्छे बनाऊंगा अपने वाईफाई लगवाने की खुशी में। तो गाइस यार मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो उठ चुका हूँ, पर गाइस वैष्णवी मेरे को लग रहा है ऑल लेट हो जाएगी, और इसको भी अपना नाश्ता खुद बनाना पड़ सकता है। पर इसे आता कम है ना, थोड़ा कम बनाना आता है, तो शायद ये नहीं बनाएगी, मैं ही बनाएंगी। गाइस आप देख सकते हैं मेरी बहन अभी भी सो रही है। वैष्णवी वैष्णवी बहुत टाइम हो गया, लेट हो जाएगी, उठ। अरे उठ जा, अरे उठ उठ वैष्णवी, मैं प्यार से उठा रहा हूँ, उठ जा वैष्णवी, उठ जा। लड़ाई करेगी, उठ जा, उठ तो गाइस चलो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मेरी बहन अभी उठ चुकी है। चलो यार गाइस मजे आ गए हमारे, क्योंकि मेन बात यही थी वैष्णवी उठ जाए जल्दी, आप मेरा थोड़ा काम तो हल्का हो गया है। तो गाइस यार अभी मैं फटाफट से आता हूँ नहा धोकर और कपड़े पहनकर स्कूल के, मिलेंगे आपको अभी थोड़ी देर बाद जब हम बनाएंगे अपने सैंडविच। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हो चुका हूँ बिल्कुल स्कूल की कपड़ों में रेडी। गाइस वैसे तो मेरी ग्रे ड्रेस है, पर गाइस आज मैंने पहन रखी है अपने स्कूल की हाउस ड्रेस। मेरा है कृष्णा हाउस यानी रेड, और मेरी बहन का है येलो हाउस, यहाँ पे बैठ के बाल बनवा रही है, और ये मेरी माँ यहाँ पर बाल बना रही है। हाय, उल्टा आरती कर रही है वैष्णवी, और गाइस मेरी बहन देखिए यहाँ पे अभी बना रही है अपने आर्ट का काम। ट्रैफिक लाइट तो तू रात में कर रही थी, अभी क्यों नहीं करा तूने, अभी क्यों कर रही है, रात में नहीं करा? वो मैं सो गई थी ना गलती से। अच्छा गाइस इसका तो यही है, डेली डेली सो जाती है पढ़ते पढ़ते। तू जानबूझ के सो जाती है क्या पढ़ते पढ़ते? नींद ही उस टाइम पे शुरू होती है तेरे को आनी। नहीं जानबूझ के तो नहीं सोती, मेरे को नींद बार बार क्यों आ जाती है? कल रात नहीं याद आया तेरे को? कल रात नहीं याद आया क्या तेरे को कि तेरे को मैम डांटेंगी? अभी याद आ रहा है? मैं तो बड़ा समझदार बच्चा हूँ, मैं तो अपनी क्लास का सारा काम पूरा रखता हूँ, बस ये जो जीके का था ना मेरा, जीके का मेरा काम थोड़ा इनकम्प्लीट हो रहा था बीच में बुक शॉर्टेज पड़ने से। गाइस अब वो भी मेरे को मिल चुकी है, और उसका भी मैंने उसी दिन काम पूरा करके कल चेक भी करवा लिया था। तो गाइस चलो अब हम चलेंगे अपने किचन में और बनाएंगे अपने सैंडविच, जब तक माँ बना रही है वैष्णवी की चोटी। तो गाइस सबसे पहले हम लेंगे अपना थोड़ा सा घी, मैं इधर लूंगा अपना घी, और इसको पहले थोड़ा तवे में फैला लूंगा। अभी मैंने गैस ऑफ कर रखी है, क्योंकि पहले हमें अपने सैंडविच में वो भरना है ना आलू, तो इस घी को थोड़ा और फैला लेता हूँ, अच्छी तरह से फैलानी है। तो थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा और डाल देता हूँ।
गाइस पहले मैं लूंगा एक ब्रेड और उसके अंदर भर दूंगा मैं थोड़े से आलू। लोगों के तो जितने जगह ना थी जल्दी भर दे उनके पास लगा कि उन्होंने आगे न कर रहा करो इसी का दिखा दे बता दे कि मैं आपको कर दूंगा भैया का सेक दूंगा जल्दी। वैष्णवी स्कूल से आके बॉक्स निकाल दिया था तो निकाल दिया था अपना निकाल तो बस हमने इसे अच्छी तरह से फिल कर लिया अपने सैंडविच को। इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरा ब्रेड और इसके बाद रख देंगे इसको इस साइड अपने तवे के साइड। फिर लेंगे सेकंड ब्रेड को भी हम भरेंगे इसी तरह से। फॉइल पेपर ले गया कर लिया तूने अपना? नहीं अभी तो कर रहा हूँ। बस तू कर जल्दी अपना। तो गाइस अभी हमारी ब्रेड है इसमें भी भर दी और इसके ऊपर भी हमने रख दिया तीसरा। वैसे भी लेजर रख लिया अपना पर गाइस हमारी जो ब्रेड है वो एकदम नहीं पकेगी क्योंकि मैंने इसकी जरा किया गैस ऑफ। सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ क्योंकि घी हमारा। अरे जल्दी कर यार वो भी लेट हो रही है और तू भी लेट हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है? 7 o'clock हो चुके हैं पूरे। तू फॉइल पेपर लेके आ। फॉइल पेपर है कहाँ? वो तो खत्म हो गया था। खत्म नहीं देख थोड़ा बहुत होगा उसमें। नहीं चाहो तो मेरे सामने डस्टबिन में भी डाल दिया था मैं। अरे उसका वो डस्टबिन में क्यों डाला? वो उस सर्कल सा उसका मुझे चाहिए था यार काम के लिए। अभी बना रहे की वो तो तुम सब चीज अपना बाहर रख दिया कबाड़ वहाँ पर। वो तो आप सब अपने घर में संभाल के रख देती हूँ। डाला क्यों आपने बाबूजी? जब आपको पता है कि माँ आपको सारे सामान जमा करके रख देती है तो फिर आपने वो फॉयल पेपर सिलेंडर शेप भी रखा। अरे मुझे चूड़ियों का स्टैंड बनाने के लिए चाहिए था यार। चूड़ियों का स्टैंड ये ले रख यार तू बाहर को ले जा थोड़ा इसकी वो निकलेगी। तो गाइस यार आ चुके हैं हम अपने डाइनिंग टेबल पे। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मोजरेला चीज देके अपने इसमें डाल देता हूँ ब्रेड में जिससे थोड़ा डिलीशियस हो जाए। और जब तक मैं स्कूल में पहुंचूंगा तब जब तक ये खाऊंगा लंच पीरियड में तब तो गाइस यार मेरा मोजरेला चीज पिघल के बिल्कुल पिज्जा जैसा हो जाएगा। तो मैंने सेट कर लिया है अपना मोजरेला चीज। उसको अच्छी तरह से दबा देता हूँ मैं। गाइस ये भी दूसरा सैंडविच था पर मैंने इसको ट्रायंगल शेप में अच्छी शेप में देने के लिए जिससे ज्यादा से लगे डाल लिया है। तो सबसे पहले लूंगा मैं अपना रेक्टेंगल ये वाला बॉक्स और इसके अंदर रखूंगा अपना ये। ओ गाइस मैं लेट हो चुका हूँ 5 मिनट रह रहे हैं पता चल गया ना बीच बीच में के छगड़ा ना आ रहा है। तो गाइस चलो हमारी वीडियो ओवर होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरिओम हरिओम बाबूजी हरिओम माँ हरिओम बेटा। अरे हो जाओ बहुत ज्यादा लगने शुरू हो गया वाई फाई। बढ़िया सारी दुकान मिट जाएगी अब तो। तू ही चाह रहा था कि तुम्हें से लग जाए क्योंकि लग गया स्कूल से बहुत। साइकिल बाबूजी आप घड़ी कर देना नहीं कर देना। ये वैसे टीवी देखने में लग रही है इसका तो यही काम है। बोल तो सही। तो गाइस यार आ चुका हूँ मैं स्कूल से। सबसे पहले तो मैं ऊपर जाऊंगा सारे कपड़े वपड़े फ्रेश होके आऊंगा और उसके बाद मैं आपके साथ मिलूंगा। तब तक मैं अपना सामान रख देता हूँ। मान लो मेरा टिफिन रख लो। पानी की बोतल है? पानी की बोतल रख दी। तो गाइस वाईफाई लग रहा है बाहर। हाँ तो गाइस यार थकान तो बहुत हो रही है।
डेढ़ बजे आया स्कूल से, 7:30 का गया हुआ। पर गाइस बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जिसकी वजह से मेरी सारी थकान मिट चुकी है, क्योंकि गाइस अब मेरे मर्जी से लग रहा है मेरे घर में वाईफाई। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वाईफाई क्या क्या लग रहा है। कपड़े तो बदल ले? हाँ हाँ बदल लूंगा। गाइस ये जा रहा है हमारा वाईफाई का वो ब्लैक ब्लैक सा जो लग रहा है ना, वो जा रहा है हमारा वाईफाई का तार। और यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। भैया हेलो बोल दो जरा, इसे ये वीडियो बना रहा है। क्या माँ टिफिन ले गया था? दो दो टिफिन नहीं, एक ही ले गया था। हाँ वो तो मैं वैसे ही रख देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आपने देखा हमारे घर वाईफाई लग रहा है, और जो उसका हमारे एयरटेल का जो बॉक्स है वो भी ज्यादा दूर नहीं है, वो है हमारा वाईफाई का बॉक्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं अपने कलानी अपने घर से थोड़े आगे, वो हमारे घर से 2-3 घर छोड़ गई। जो यहाँ सामने स्टेयर्स लग रखी है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू। गाइस जो सीढ़ी लग रखी है ना, ये इसकी लग रखी है। जो हमारे सबसे नियरेस्ट जो एयरटेल का जब्बा डब्बा है वो है ये, इस पे आप थोड़ा देख सकते हैं, इस पे लिख रहा है 4NH10105, यानी गाइस हमारा एयरटेल का बॉक्स है। तो हमारे जो तार है, थोड़े तार कटे हुए इधर पड़े हुए हैं, हमारा तार लिंक होके जाता है सीधे हमारे घर के सबसे बीच वाले रूम से। और लोग जिस ट्रांसपोर्ट में आया वो हैं, 2 बाइकों में आए हैं, ये 3 लोग हैं और आ चुके हैं। ये एयरटेल की सबसे अच्छी बात यही है कि बहुत जल्दी जल्दी होता है। बस मैंने ये ऑर्डर किया था कल रात 8 बजे, पर गाइस रात में तो यहाँ लग नहीं सकता था, इसलिए ना ने बोला कि सुबह 9 बजे आएंगे, और एक्यूरेट माँ बता रही थी 9 बजे आ गए थे एक्यूरेट। तो गाइस बहुत अच्छी बात है, चलते हैं अपने अंदर। तो गाइस यार सब कुछ बहुत मजे में, और आज फिर आ गए हमारे यहाँ बंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। नीचे उतरा तो था अभी, कोई बात नहीं गाइस, बंदर तो हो चुका है गुम, उसको छोड़ो। गाइस मैं आपको मेन बात क्या बता रहा था, मेरी मम्मी का तो है, मेरी माँ का आज है व्रत, पूर्णिमा है ना, तो आज हो गया मम्मी का व्रत। तो माँ अपने लिए भी चाय बना रही है, और जो काम करने आए उनके लिए भी चाय बना रही है। वैसे जो काम करने आए एयरटेल वाले ये अननोन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि पापा के ऑफिस में है कोई जानने वाले, ये उनके ही जानने वाले हैं। तो गाइस थोड़ा ज्यादा हेजिटेशन नहीं हो रही कुछ पूछने में। और ये खड़ी हमारी गाड़ी, और ये रे एयरटेल वालों के ट्रांसपोर्ट। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ आपको बंदर दिखाने की। गाइस वो रहे बंदर, और इससे पहले कि वो मेरे पास आए, आई थॉट मेरे को घर में चले जाना चाहिए, वरना कहीं बंदरों का कॉल आए। हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, पर गाइस वो जो पेड़ हिल रहे हैं ना सामने, वो भी बंदर ही उछल रहे हैं उन पे। फिलहाल तो ये बंदर दिख नहीं रहा, अभी मैंने थोड़ा सा देखा था इसे, तुम्हारी एक्टिवा के ऊपर बैठ रखा है। तो गाइस चलो कोई बात टेंशन नहीं, अभी अभी हम चलते हैं अपने वाईफाई रूम में जहां हमारा वाईफाई लग रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे कपड़े बदल लिए हैं, और यहाँ पे माने जो एयरटेल के वर्कर्स हैं उनके लिए चाय नमकीन भी बना दिया है, और वैष्णवी के लिए खाना लगा रही है, बड़ी आलसी है, देखिए खाना हो रहा। और देखो पापा से बोल दिया तुम चाय ले जाना, ये यहाँ पे लेटी पड़ी है, बाबूजी चाय ले जाओ ले जाओ। और यहाँ चल रहा है एयरटेल का काम, क्या है बाबूजी? बाबूजी क्या है नीचे बैठ के रानी महारानी मंदिर ऊपर बैठ के खा रही है।
मुझे 30 तारीख को पे ही है ना, तो इसी पर रिचार्ज कराने के लिए कैसे करेंगे? कितनी रेंज कितनी है इसकी? सबकी है मतलब ये पास वाले की या दूर वाले? नहीं इसकी इसकी कम होती है 5 किलोमीटर तो गाइजर मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि गाइजर हमारा जो वाईफाई लगा है वो है अनलिमिटेड इंटरनेट और 40 MB/s का, इतनी ज्यादा तेज स्पीड में पहली बार यूज करूंगा, तो गाइजर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने किचन में और माँ से मांगते हैं खाना। माँ खाना दे दो, उसके बाद आपको पार्टी तो बनती है, हमारा गाना पहले है, में ना उसके साथ में पानी तेरे पापा ने माँ कह रही है बाबू जी ने जो सांप जैसे पाइप पाल रखा है उनसे पहले कूलर में पानी दो, उसके बाद तो गाय जा बैठ जाते हैं यहाँ पर। और रिमोट कहाँ है? रिमोट कहाँ है? वैष्णी रिमोट दे। हाँ जी आया बाबू जी, आवाज थोड़ा कम कर लेते हैं। ले कहाँ है सांप हमारे? सांप कहाँ हमारे? खाना ले लेता, अभी मैंने कूलर में पानी डाल दिया। देख रहा तेरे पापा ने कितने सारे पाइप जोड़ जोड़ के सांप जैसे कर रखे हैं। हाँ हाँ जैसे रख दो भाई, ये मेरे वहाँ तो गाइस यार सबसे पहले लेंगे हम अपना खाना, उसके बाद उसे खाएंगे मजेदार। तो गाइस यार अब मैं लेके आ चुका हूँ अपना खाना और ये आदमी मत कर इसको, इसको मत छेड़ता रहिए, तू बता दिया मैंने पहले इसको कहीं तो ऐसे करो। और बैग देख दे भगवान, कम से कम बैग तो भाई बैग तो संभाल लेता। अरे मेरे को पता नहीं था, अभी अभी तो स्कूल से आया हूँ, अभी तो आया हूँ। अब ये इस वाई फाई पे मत लगा रही, अपना खाना खा ले, अपनी पढ़ाई स्कूल का भी काम करा कर। हाँ कर रहा हूँ। तो गाइस यार डांट तो पड़ गई उनके जाते, शायद मैं उनके जाने का इंतजार कर रही थी, बस उनके जाते ही डांट करना शुरू हो गया। तो गाइस दिखा देता हूँ आपको अपना खाना क्या हो रहा है। ये है गाजर का अचार और ये है कोई दाल और ये है चावल। माए कौन सी दाल है? ये मसूर की दाल है बेटा, मसूर और सोयाबीन। अच्छा तो गाइस अब मजा आ चुका है मसूर की दाल, और इसमें डाल लिया है मैंने अपना घी। तो गाइज यार वो भी जा चुका है, तो गाइज यार हमारा वाईफाई बहुत अच्छा लग चुका है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।